ये बेहद अहम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणिक सरकार को मंच से नीचे तक छोड़ने के लिए गए। देखिए मुख्यमंत्री है माणिक सरकार, उन्हें सी ऑफ करने बाकायदा मंच से नीचे तक गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब जो कहा उन्होंने वो कर भी दिखाया यहाँ निश्चित तौर पर रोमाना। और ये संदेश है सबके लिए कि चुनाव हो चुका और खासतौर से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि बेहद तलखी के बाद बड़े वैचारिक और बड़े ही जिसको बोलते हैं जमीनी संघर्ष के बाद यहाँ तक वो पहुंचे हैं और बहुत हिंसा भी हुई है। तो ना सिर्फ राम माधव को उन्होंने भेजा उनको बुलाने सीपीएम के कार्यालय में, और यहाँ पर जब आया तो मंच पर्सनल न्योता देने के, और मंच पर वो उनके सामने खड़े हुए क्योंकि 20 साल का उनके पास अनुभव है और वहां के वो विराट व्यक्तित्व वाले बड़े नेता रहे हैं। तो अब उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाए, ये एक तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं को संदेश है। और एक तरीके से जो लोग थोड़ा सा भयाक्रांत हैं, जो लेफ्ट के साथ में लोग रहे हैं, उनको आशंका जो रही होगी, तो उनको भी एक मैसेज दिया कि देखिए भाई, अब ये सरकार सबकी है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा गेस्चर है और इसका संदेश इस पार्टी में भी और दूसरी पार्टी में दोनों जगह इसका असर दिखाई पड़ना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, हर नागरिक हमारा विपक्ष का अनुभव, सत्ता पक्ष का उत्साह त्रिपुरा को मिलकर आगे बढ़ाएगा। ये जो इनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, इट कवर्स एवरीथिंग इन दैट, उसमें एक अब जहां तक जो मंच से कर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाकायदा वो खुद मंच से नीचे तक सी ऑफ करने जा रहे हैं, उनको। और जहां तक आप लोगों के सपनों की बात भी कही प्रधानमंत्री ने, तो उन बीजेपी का एक बहुत बड़ा टास्क है जो उन्होंने इलेक्शन में वायदे किए हैं, अब यह समय आ गया है उनको पूरा करने का। बीजेपी ने एक प्रॉमिस किया था कि 15 दिन के अंदर अंदर सरकार बनने के बाद जब कैबिनेट मीटिंग होगी पहली वाली, उसमें 7th Pay Commission अनाउंस किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि त्रिपुरा में हम मिनिमम वेजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब ये समय आ रहा है अब टू डिलीवर द गुड्स टू द पीपल। और ये बात कही भी राजकिशोर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो आपके सपने हैं अब वो हमारे सपने हैं, जो आपके इरादे हैं उन्हें पूरा करने के लिए सरकार हमारी पूरी ताकत लगा देगी। निश्चित तौर पर रोमाना, और जो एक खास बात है, आम तौर पर अगर आप देखेंगे ऐसे अवसरों पर जो प्रधानमंत्री का भाषण बड़ा लंबा होता रहा है, लेकिन यहाँ पर वो बड़ा उन्होंने क्रिस्प रखा और टू द पॉइंट बात की। उन्होंने साफ कहा कि ये किस तरीके से विकास का रास्ता यहाँ पर खुलेगा और केंद्र की सरकार पूरी मदद करेगी त्रिपुरा के विकास में, और पूरी तरीके से फोकस आपसी सद्भाव संभाव के साथ साथ में विपक्ष की मदद के साथ आगे बढ़ने पर। क्योंकि सरकार बनने से पहले जिस तरीके की छिटपुट झड़प हुई और घटनाएं हुई, मूर्तियां तोड़ी गईं, लगातार हिंसा हुई, तो उस तरीके में माहौल खराब होता है। एक गया दूसरा आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन पर जब उसका असर दिखाई पड़ेगा कुछ बदलाव का, वही बात आगे बढ़ेगी। तो अगर बीजेपी लेफ्ट की जगह आई है तो उसका क्या फर्क पड़ा, ये दिखाना ज्यादा जरूरी, ये शोकेसिंग की कोशिश होनी चाहिए। वही दिखाया उन्होंने और मकसद भी साफ किया कि मकसद एक है, त्रिपुरा को आगे बढ़ाना, और दिल्ली और त्रिपुरा के बीच अब दूरियां रहेंगी नहीं। अपने भाषण की शुरुआत और अंत जो स्थानीय भाषा है उसमें कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जो सीधा संवाद है, जो लोगों से जुड़ना का उनका खास अंदाज है, उसकी भी एक झलक। ये है ABP News, आपको रखे आगे।